फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित गार्गी किड्स प्ले स्कूल में दशहरा के उपलक्ष में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षिकाओं ने रामायण के कुछ अंश का नाट्य प्रस्तुतिकरण किया, जिससे छोटे बच्चों को दशहरे का महत्व बताया जा सके। नाटक के माध्यम से बच्चों को ये सीख दी गई कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण का वो प्रसंग जहां माता सीता को रावण उठाकर लंका की ओर ले जाते हैं और भगवान श्री राम माता सीता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से सुरक्षित वापस ले जाएंगे। इस प्रसंग को बच्चों के सामने पेश कर टीचर्स ने बच्चों को ये सीख दी कि हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखें और अच्छा अच्छा ही सब बच्चों आगे अपनी लाइफ में करें। एंड डोंट नो अबाउट द रामायण एंड ऑल स्टोरीज, दैट्स व्हाई वी परफॉर्म टुडे, सो दैट दे कैन गेट द स्टोरी अबाउट राम एंड सीता। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उत्साह के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। टीचर से लेकर बच्चों तक सभी रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए थे। किसी ने भगवान राम का रूप धारण किया था तो कोई माता सीता बनकर सबका मन मोह रहा था। बच्चों का यह स्वरूप वाकई बहुत सुंदर नजारा पेश कर रहा था। इस मौके पर बच्चों ने कविता भी सुनाई और सभी को दशहरे की बधाई दी। नाम है आपका? राइशा आहूजा। क्या कहना चाहते हो? हाँ? बताओ, आज दशहरा के का जो इवेंट आपने अपने स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हो, उस पर क्या बोलना चाहते हो आप? मैं अपनी तरफ से एक राइम बोलना चाहती हूँ। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है सी। मेरी बिल्ली पीली पीली पानी में वो हो गई गीली गीली, लगी कापने आछी आछी लगी छीकने, मैंने बोला उसको सी, बिना रुमाल के कभी न छी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्राठ, आप क्या बोलना चाहते हो? हैप्पी दशहरा विश कर दो सब। हैप्पी दशहरा। दशहरे के मौके पर गार्गी किड्स स्कूल द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को सुंदर ढंग से परिपूर्ण करने में सभी टीचर्स का सहयोग रहा। फिर से लौटेंगे ऐसे ही और अपडेट्स को लेकर। नमस्कार।